Today I will tell you about William Shakespeare. It's why it's important to know everyone because William Shakespeare is the most important writer in English language and literature. Hey guys, this is Kanth. Today I wanna tell you about William Shakespeare. आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर के ऊपर बताने वाली हूँ क्योंकि ये जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में तो इसकी क्या हिस्टोरी है ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका बॉर्न कब हुआ था या इसके फादर का नेम क्या था इटिस तो बिना लेट हम लोग स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर आई रोट हियर प्ले राइटर एंड पोएट प्ले राइटर मीन्स ड्रामेटिस्ट नाटककार प्ले राइटर थे और पोएट थे आप इसको लिख सकते हैं विलियम शेक्सपियर वाज अ प्ले राइटर एंड अ पोएट नेक्स्ट इंग्लैंड इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था फिफ्टीन सिक्सटी फोर इंग्लैंड में नेक्स्ट वन इज हिज फादर नेम वाज जॉन शेक्सपियर इनके पापा का नाम जॉन शेक्सपियर था आपको ये जरूरत तब पड़ेगी जब आप अगर लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे और इंग्लिश ऑनर्स होगा आपका तो पढ़ सकती है और ट्वेल्थ में भी होंगे तो इसके बारे में पूछा जाता है इनफैक्ट हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि विलियम शेक्सपियर का क्या बायोडाटा होता है नेक्स्ट वन ही मैरिड एट द एज ऑफ एटीन इनकी जो शादी हुई थी ना वो हुई थी अठारह साल की एज में ही मैरिड एट द एज ऑफ एटीन विथ ट्वेंटी सिक्स ओल्ड लेडी एंड आश्चर्य की तो बात यह है कि ये 18 के थे लेकिन इनका जो शादी हुआ था वो हुआ था 26 सिक्स ईयर्स ओल्ड लेडी के साथ जिनका नाम एनहत्वी था वो 26 साल की थी और ये 18 साल के थे शी इज एट ईयरस ओल्डर देन हीम ये 8 साल की बड़ी थी विलियम शेक्सपियर से, से इनका मैरी हुआ था जब एक्चुअली फैमिली प्रेशर की वजह से हो गया था इनका शादी और छब्बीस साल की लेडी से हो गया था हिज ऑक्यूपेशन वॉज अ पोएट एक्टर एंड प्ले राइटर इनका जो पेशा था इनका जो ऑक्यूपेशन था वो था प्ले राइटर थे एक्टर थे और पोएट भी थे यू कैन राइट दिस टाइप नॉट लाइक दिस हमें यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं मतलब क्या क्या आप समझ में आए लेकिन मैं बोल रही हूँ वही लाइन जो आपको लिखनी चाहिए जिसको आपके माइंड में रहना चाहिए जो चीज़ आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए इसके बारे में नेक्स्ट वन फेमस पोएम रोमियो एंड जूलियट इनका जो पोएम था ना फेमस सबसे ज्यादा जो फेमस था वो था रोमियो एंड जूलियट अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल पढ़ लीजिए क्योंकि वाकई इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट वन इज इंग्लैंड नेशनल पोएट ही वॉज अफन कोल्ड इंग्लैंड नेशनल पोएट ये जाने जाते थे इंग्लैंड के नेशनल पोएट के नाम से वाकई इसमें कुछ तो ऐसी बातें होगी ना जिसकी वजह से ये इंग्लैंड के नेशनल पोएट के नाम से जाने जाते हैं ही हैड थ्री चिल्ड्रन इनके तीन बच्चे थे ही रोड वन हंड्रेड फिफ्टी फोर सोनेट्रेडी फोर सोनेट लिखे अब ये sonnet क्या होता है इज टाइप ऑफ ये एक poem का प्रकार है इट इज रिटर्न फोर्टीन लाइन ये चौदह लाइन की कविता होती है बस फोर्टीन लाइन्स इसका जो होता है ना ये फोर्टीन लाइन्स की होती है फोर्टीन लाइन से मोर देन नहीं होता ज्यादा नहीं होता उसे हम लोग सोनेट बोलते हैं तो इन्होंने वन हंड्रेड फिफ्टी फोर सोनेट लिखे फ्यू वर्सेस टू लॉन्ग नरेटिव पोएम कुछ वर्सेज लिखे और टू लॉन्ग नरेटिव पोएम लिखे एक लग, दो लंबी कविता लिखी और थर्टी एट ड्रामा लिखे प्लेज प्लेज ही है मतलब सगा भाई बहन ये सेवन थे इसके सात भाई बहन थे ही रोट मैनी पोएम्स लाइक अदेट लाइफ रिवेंस ग्रीफ एट्रसरा मतलब इन्होंने जो लिखा ना पोएम बहुत ज्यादा लिखे और कहा जाए तो ड्रामा भी बहुत लिखे एज यू नो दैट ड्रामा इन्होंने थर्टी एट लिखे थे और सोनेट इन्होंने वन हंड्रेड फिफ्टी फोर लिखे थे वो जो बेसिक होता है ना प्लेस जो इसका बेसिक होता था वो होता था आपका डेट के ऊपर लाइफ के ऊपर लव के ऊपर रिवेंस के ऊपर ग्रीफ के ऊपर या तो फिर आप कह सकते हैं जलिस के ऊपर इन सारे के ऊपर ये लिखा करते थे थर्टी एट प्लेस में मैंने कुछ को कलेक्ट किया है जैसे मैकवेट मैकवेट नथिंग एज यू लाइक इट लाइक दिस इस टाइप्स के इन्होंने बहुत सारे लिखे और सारे के सारे कुछ ना कुछ जरूर इसमें बातें हैं और इनफैक्ट कहा जाए इंटरेस्टिंग है सारे की सारी प्लेस और सारे के सारी सोनेट्स इनफैक्ट हर एक ईयर में हम लोग को पढ़ने के लिए मिल जाता है विलियम शेक्सपियर के बारे में क्योंकि ये वाकई महान कवि के नाम से जाने जाते थे और ये बिलोंग करते थे इलिजावेथन एज से ही बिलोंग इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क इन एनी एग्जाम ही डायड एट द एज ऑफ फिफ्टी टू इन सिक्सटीन सिक्सटीन सोलह सौ सोलह ईस्वी में इनकी डेट हो गई बावन साल की एज में ही ये डेट हो गया और मैं बता दूं विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलता है इनफैक्ट इनका बायोहिस्ट्री बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और कहा जाए तो इनका इंट्रोडक्शन वाकई इंटरेस्टिंग है इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑन यूट्यूब एंड यू यू विल गेट डेट आई एम राइट योर इतना काफ़ी आप लोगों के लिए क्योंकि इतने ऑलमोस्ट को जानने चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा भी जानना चाहिए उन बच्चों के लिए जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं लेकिन जो कि बेसिक इंग्लिश सीख रहे होते हैं और बेसिक लोग होते हैं जिनको कि इंग्लिश का नॉलेज चाहिए तो उसके वो जरूर चाहिए इतना तो एटलीस्ट आना चाहिए बायोडाटा किसी भी राइटर के बारे में तभी तो आप हो सकता है फ्यूचर में राइटर बने पोएट बने लाइक दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल आज के लिए इतना ही